क्या हुआ माँ? इतनी अर्जेंटली आपने मुझे घर क्यों बुलाया? माँ, और पुलिस यहाँ क्या कर रही है? सब किस्मत का खेल है बेटा। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे को ये दिन देखना पड़ेगा। हमको कहाँ पता था कि इतने मासूम चेहरे के पीछे इतना बड़ा चल छुपा होगा। यकीन हो रहा है कि ये सब हमारे साथ हो रहा है। हुआ क्या है माँ? हमारी महक। क्या हुआ महक को? ठीक तो है ना महक? माँ, महक है कहाँ पे? महक, 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 माँ कहाँ पे महक? अरे वो नाच पिटी तो ठीक है, थोड़ा तो हमें नहीं कही का। अरे हमारी इज्जत का सत्यानाश कर गई वो लड़की। उसके लक्षण सुनेगा ना तो पैरों के नीचे की जमीन निकल जाएगी तेरे। अभी अभी पता चला है कि उसका किसी के साथ चक्कर है। माँ ये क्या बोल रही हो आप? नहीं वो सही कह रही है। हमें SI करिश्मा सिंह महिला पुलिस थाना, आपकी अम्मा रिपोर्ट लिखाने आई तो हमने भी जांच पड़ताल की, हमने खबरी पीछे लगाई आपकी बीवी के, तो पता चला सही में दाल में कुछ काला है। माँ मैं जानता हूँ महक को, वो मेरे को धोखा देने का कभी सोच भी नहीं सकती है। धोखे का सबसे मजेदार बात ही तो यही है कि वो इंसान दे देता है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं पाते। नहीं मतलब हम तो पुलिस वाले हैं ना, बिना सबूत के किसी सड़ी हुई सब्जी को भी इल्जाम नहीं लगाते हैं उस पे भी। आपकी बीवी के खिलाफ भी सबूत इकट्ठा किए हैं और पता चला है कि आपकी बीवी इस वक्त किसी कैफे में बैठ के उनके साथ गुटरगू कर रही है जिनके साथ उसका चक्कर चल रहा है। देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या? चलिए अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते, क्या बोलते हैं? मूंगफली चना। अरे संतोष जी क्या बात है, इतना सर दर्द के कहाँ जा रहे हो? डेट पे जा रही हूँ, तुमसे मतलब? अरे संतोष जी शुभ काम के लिए जा रही हो आप, बदनाम स्पेशल चाय हो जाए। डेट पे जाके कॉफी पीने से पहले तुम्हारी जहरीली चाय पिए। Oh my God, save your child and इसको लेके जाओ। संतोष जी, ये दोनों काले नाग आपकी डेट खराब कर देंगे। हाँ। आप जाओ। हाँ। हेलो रमेश जी। लड़की कैसी है? कुछ पता लगाया लड़की के बारे में? अरे रमेश जी लड़की तो एकदम सुंदर है, लेकिन क्या है ना अभी अभी उसके पीछे लगाऊं तो थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे पूरी जन्म कुंडली निकाल के देगा। अरे देखिए लड़की जा रही है, मैं फोन रखता हूँ, उसका पीछा करना पड़ेगा। जी पैसे दे दे। पैसा पैसा चेंज चेंज दो। संतू जी अरे चेंज नहीं दिया, पता नहीं क्या कर दिया संतू जी, चेंज पूरा दे दी उसको। जी, हाँ। आप कुछ भूल रही हैं? क्या? यही कि हम लोग प्रेमी प्रेमिका हैं। बने हुए हैं। संतोष जी, संतोष जी, क्या? कैरेक्टर में रहिए एकदम। हाँ। प्रेमी प्रेमिका। ऐसी दिखती है तुम्हारी बीवी? मतलब ऐसे ही दिखती है ना तुम्हारी बीवी? हाँ हाँ दिखते हैं कहाँ है? वो रही तुम्हारी बीवी। मैडम सर ये ऊपर जाएगा। संतोष शर्मा सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा है, संदीप यहीं पर है, उसे आपको देखकर लग रहा है कि आप महक ही हैं, जो आप कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं। अब आप तुरंत चीता को एक गुलाब दीजिए और उसका हाथ पकड़ के लवर्स होने की एक्टिंग करिए। संतोष
संतोष शर्मा, संतोष शर्मा, क्या करिए आप, गुलाब दीजिए उसे। ए, फूल दे, फूल दे, चीते फूल दे, फूल फूल दे, दे ना दे। हाथ पकड़िए, हाथ पकड़िए, हाथ दे, हाथ दे, हाँ दे। रे रे रे, कहाँ 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 जा रहे हो भैया? एक मिनट, एक मिनट, अभी तुम बहुत गर्माए हुए हो, तुम्हारा दिमाग बहुत गर्म है, ऊपर जाके बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा सबके सामने, इज्जत का कचरा हो जाएगा सबकी। अभी हमारी बात सुनो, थोड़ा गहरा सांस लो, आप गहरा सांस लो, अपने आप को ठंडा करो, फिर इस पे बात करते हैं, है ना? संतू जी, एक बात बड़ा दर्द दे रहा है हमको। मुझे क्यों बोल रहे हो, डॉक्टर के पास जाओ। अरे बाप रे बाप, संतू जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि प्रेमी और प्रेमिका का जो खेल है, ये हमारे साथ खेलने आए हैं कि टोपिया वाले के साथ? मैं उसको नहीं देख रही हूँ, वो कब से मुझे घूरे जा रहा है। हा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है चीते। अब हमको पता ही कहने उसका चीते की। ये प्लान तो पक्का फ्लॉप होने वाला है। ए, ये क्या कर दिए, क्या पगला गए हो क्या? हाँ? है क्या? लेकिन सर आप भी तो सामने से आ रहे थे ना, और आपने भी तो कहा देखा। सर अगर ये प्लेट टूट जाता तो इस प्लेट की नुकसान की भरपाई कौन करता सर? ये तेरी 50 रुपए की प्लेट का नुकसान भरूं मैं? ये कहां गई? तेरी वजह से मेरी बीवी हाथ से चली गई। भाई साहब वो आपकी बीवी थी? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं कुछ नहीं। नीचे गई होगी। हाँ। ए भगवान, जिस लड़की के बारे में पूछने को कहा था वो ऑलरेडी शादीशुदा है और एक लड़के से चक्कर भी चल रहा है, और माँ बाप को पता भी नहीं है। रमेश जी को बताना पड़ेगा। हेलो रमेश जी, आपका भाई कमलकांत बात कर रहा हूँ, वो लड़की के बारे में पता चल गया है। लीजिए मैडम, धन्यवाद। ये लो बेटा, देख लिया ना अपनी बीबी को किसी और के साथ गुलछरी उड़ाते हुए? नहीं, मैं नहीं मानता, सिर्फ इसलिए कि महक किसी अनजान आदमी के साथ एक कैफे में बैठकर कॉफी पी रही थी। वो गलत कैसे हो गई? हम उसके कैरेक्टर को जज कैसे कर सकते हैं? ये कैसे कह सकते कि वो मुझे धोखा दे रही है? अरे लाल गुलाब कोई रक्षाबंधन पे तोड़ देता है। मां, लाल गुलाब? मां आपको कैसे पता कि उसे लाल गुलाब दिया था? आप तो नहीं थी वहां पे, ना ही हमें से किसी ने इस बात का जिक्र किया, तो आपको ये सब कैसे पता? वो हमने बताया था ना आपकी अम्मा को, हमने फोन करके इनको सब बता दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ है। पर ये सब बातें छोड़िए, हम मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि आप सही हैं, लेकिन लेकिन हमें ऐसा लगता है अभी आपकी बीवी वापस आएंगी ना, तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो कहाँ थी। देखिए अगर वो सच बताती है फिर तो ये सारा टंटा ही खत्म, लेकिन अगर उन्होंने झूठ बोला या कुछ और चीज बताई तो फिर मामला थोड़ा गड़बड़ा, और कोई तीसरा जो है उन्होंने आप दोनों की जिंदगी में एंट्री कर ली है, ये आप समझ जाएं। मैं उससे जरूर पूछूंगा, एंड आई एम श्योर वो मुझे झूठ नहीं बोलेगी। हम भी यही चाहेंगे कि वो झूठ ना बोले। इंतजार करते आने ही वाली होंगी। वैसे माता जी, हाँ ब्लैक कॉफी मिलेगा क्या? हाँ हाँ अभी लाते हैं। धन्यवाद। यही कार्बन लगा हुआ है। ओह माय गॉड, कैसा राक्षस! संतू जी, आप रो कह रही है? संतू जी किस वाहियात थर्ड क्लास चीप नरभक्षी नरमुंडी राक्षस पिसाच की वजह से आपके आंखों में आंसू आया? संतू जी बोलिए हमको, क्या हुआ आपको? ये पटाखे मार देगा उसको। पापा क्या हुआ संतोष, तुम इतना क्यों रो रही हो? मैडम सर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पापा ने लड़के वालों के सामने मेरी तारीफ की थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जब लड़के वाले यहाँ आएंगे उन्हें जब मेरे बारे में सब अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा सुनने को मिलेगा, तो मेरे पापा झूठे नहीं पड़ेंगे।
उनके बात रह जाएगी, पर पता नहीं पूरा पूरा प्लान उल्टा हो गया। पता नहीं किसने जाके मेरे पापा को ये कह दिया कि मेरी शादी हो गई है। का? ये तो कुछ भी नहीं है, किसी ने जाके ये भी बोला है मेरे पापा को कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है संतु जी, ये असंभव चीज है, एकदम फालतू बात है पुष्पा जी। हाँ ये क्या कह रहे हो तुम संतु? पापा बहुत भड़के हुए पुष्पा जी, मुझे मुझे अंदर 20 मिनट तक सुना रहे थे। मुझे कह रहे थे कि जिससे मेरा चक्कर चल रहा है, जिससे शादी हुई है, उन दोनों को मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, मैं क्या करूं? संतोष, लेकिन ये हो ही कैसे सकता है? वो गांव में बैठे हैं, उन्हें कैसे पता चल गया कि तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो? नहीं नहीं मैडम सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उनके किसी जान पहचान वालों ने संतु को चीते के साथ देखा होगा और फिर किसी गलत फहमी में आकर इसके पापा को सब कुछ बता दिया होगा। हाँ पुष्पा जी, है ना, ये भी तो हो सकता है ना कि संतु जी का रिश्ता जिस घर में तय हुआ हो वो लोग इनके पीछे कोई जासूस छोड़ा हो। वाओ ग्रेट निटल्ले शेरलॉक होम्स। थैंक यू कौन शेरलॉक हो, कौन है? रेनिधि, बट ब्रिलियंट गेस। वो मूंगफली वाला बाहर थाने के खड़ा था। मूंगफली? रे रे राक्षस आदमी, इतना सीरियस मैटर चल रहा है और तुमको यहाँ पर मूंगफली खाने का पड़ा हुआ? मूंगफली वाला दिख रहा, मारे जाओ, ढकोस ले, खा ले जा। तू निठल्ले का निठल्ला रहेगा निठल्ले, अभी मैंने तुम्हारी तारीफ की, अभी तू फैल रहा है, बिखर रहा है। मुद्दे पर आओ। हाँ मुद्दे पे आते, मुद्दा ये है कि वो मूंगफली वाला संतोष जी के बारे में सबको बहाने बहाने से पूछ के उसके बारे में जानना चाहता था। अब क्या जानना चाहता था, क्यों जानना चाहता था, आई डोंट नो, बट मैंने उसकी फोटो निकाली है, ये देखो। मैडम सर, ये आदमी तो कैफे में भी था, मेरे सामने ऐसे बैठा हुआ था ये, और मैं घूर भी रहा था मुझे। ढूंढ कर लाओ इस मूंगफली वाले को, ढूंढ कर लाओ, ये जहां कहीं भी छुपा हो लेकर आओ। जी मैडम। ए निठल्ली, मेरा फोन है। मैडम सर मैं क्या करूं? रिलैक्स रिलैक्स, हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये पकड़ी, ये रखिए, हम कहाँ छुप सकते हैं, यहाँ इसके पीछे छुप जाएं? नहीं नहीं नहीं, इधर 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 आ जी। हाँ इधर छुप जाते हैं, आराम से आराम से। अरे भैया आराम से जाइए, देखिए अंदर नहीं जा पाएंगे, कुछ ढकने के लिए कुछ है क्या? एक मिनट। अरे आप आज जल्दी, मुझे फोन कर देते तो मैं भी आ जाती, पर अच्छा लगा आपका सरप्राइज, ऐसे ही सरप्राइज दिया कीजिए, पत्नियों को अच्छे लगते हैं ऐसे सरप्राइज। कहां पर थी तुम? मैं वो रेणु का है ना, दिल्ली वाली मासी की बेटी, मेरी कजिन, वो लखनऊ से आई हुई है, तो बस मैं उसी से मिलने गई थी। क्या बात है, मुझे नहीं पता था मेरी वाइफ इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, बॉयफ्रेंड से मिलकर आ रही हो और अभी भी अपने पति के आगे इतना बड़ा नाटक कर रही हो। आप ये क्या बोल रहे? ज़्यादा नाटक मत करो, मैंने खुद तुम्हें मंगल पांडे नगर के क्यूबन कैफे में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठे हुए देखा था। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं लास्ट टाइम क्यूबन कैफे में गई थी आपके साथ, और वो भी पिछले महीने, मैं उसके बाद से आज तक कभी वहां पे नहीं गई। और ये क्या बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बातें करते हुए? वाह, तुम घटिया हरकतें कर लो, मैं घटिया बात भी ना करूं। हां मैं सच बोल रही हूं, मैं रेणुका के साथ थी। आप चाहते तो आप उसे कॉल करके देख लीजिए, वो बता देगी आपको। मैं गधा नहीं हूं, मैं सब समझता हूं। तुम अपनी कजन को समझा बुढ़ा के आई होगी कि जब कोई कॉल करे तो क्या बोलना है। पर आप एक बार उसे बात बस तो। मुझे और कुछ नहीं सुनना, तुमने हमें धोखा दिया है, हमारे रिलेशनशिप को चीट किया है तुमने, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। कहीं ना सब ठीक है, हम किसी ने सही कहा है बेटा, शादी एक जुआ है, जिसको ढंग का लाइफ पार्टनर मिला उसकी जीत, और जिसको नहीं मिला उसकी हार, और अब तेरे नसीब में हार ही है तो हम कर ही क्या सकते हैं, तू दिल पे मत ले बेटा, ये सब तो मुकद्दर का खेल है। अब तू कुछ खा ले ना, मैं लाती हूँ तेरे लिए कुछ। नहीं माँ, भूख नहीं है मुझे।
हेलो हसीना मैडम, अरे आपके प्लान का पहला पड़ाव एकदम कामयाब रहा। हाँ, अरे मेरे बेटे की भूख प्यास चैन सब उड़ गया। अब आएगी इस कपूत की अकल ठिकाने। मेरी भोली भाली बहू को धोखा देने चला था। बहुत खुशी हुई मैं ये सुनकर। करिश्मा सिंह को फोन दीजिए, हम उन्हें भी मुबारकबाद दे दें। हाँ जी जी मैडम सर। करिश्मा सिंह कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड जॉब। धन्यवाद मैडम सर, जय हिंद। अब हम भी चलते हैं, मिलते हैं, ठीक है? धन्यवाद धन्यवाद। देखिए हल्के में मत लीजिए, शहर में बात है भाई की, सब जानते हैं कमलकांत ब्रिलियंट डिटेक्टिव। ये मेरा कार्ड है, अवैध प्रेम संबंध, धोखाधड़ी, जालसाजी, चिटिंग, शादी से पहले लड़के लड़की की पूछताछ, उल्टा सीधा कुछ भी, सब मामले देखता आपका भाई। मुद्दे पे आओगे या हम सेवा में आए तत्पर? देखिए वो मेरे क्लाइंट है रमेश जी, अब उनके लड़के के लिए ये रिश्ता आया था संतोष शर्मा जी का, तो बस उसी के बारे में पूछताछ कर रहा था, तो रोजी रोटी कमा रहा था, तो अब रोजी रोटी कमाना तो कोई जुर्म नहीं हुआ ना। तो क्या पता लगाया आपने संतोष शर्मा के बारे में? सब कुछ यही कि ये लड़की की तो पहले से शादी हो रखी है और माँ बाप को बताया तक नहीं, ऊपर से लड़के के साथ चक्कर भी है, वो भी इसके साथ। जासूस चाचा, जितना पूछा जा रहा है ना उतना बताइए, ना तो मार के घुटना मुंह पे चढ़ा देंगे आपको। चीता एक सेकंड, मेरे बारे में बात है ना तो मैं हैंडल करती हूँ। आपको पता है आपकी ये बेफिजूल के घुसपैठ के कारण मेरे लाइफ में कितना रायता फैल गया है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ना ही मेरा चक्कर चल रहा है और ना ही मेरी शादी हुई है। हम इस थाने के केस के सिलसिले में वहां कैफे गए थे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नाटक कर रहे थे। आपने क्या किया? आपने देखा कुछ, समझा कुछ, जाके अपने क्लाइंट को कुछ कहा और उन्होंने जाके मेरे पापा को बोल दिया। आज आपके वजह से मेरे और मेरे पापा के बीच कलेश हुआ है। अब जैसा मैं कह रही हूं ना वैसा जाके कहेंगे अपने क्लाइंट को। फिलहाल मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है और अगर आगे जाके इरादा हुआ भी तो ऐसी घटिया मेंटालिटी वालों की घर की बहू तो कभी नहीं बनूंगी। जिस इंसान को सही और गलत की समझ ना हो, अकल ना हो ना, वो किसी रिश्ते के लायक नहीं है। संतु जी आप संभालिए अपने आप को, हम सब लोग हैं ना आपके साथ। हाँ संतु जी। बिल्लू। हाँ मैडम सर। चोरी करनी है। एक्सक्यूज मी मैडम, सच बताइए मतलब ये चोरी का आइडिया आता है तो मेरी याद आती है या मुझे देखकर आपको चोरी की आइडिया आती है? कहाँ चोरी करनी है? तुम्हें महक का फोन चोरी करना है। फोन चोरी करके तुम्हें पहुंचना है अजंता होटल, जहां पर चीता और संतु पहले से मौजूद होंगे एज लवर्स। ये होगा हमारे प्लान का अगला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। यहीं पर हम उस संदीप को समझाएंगे अपने पार्टनर को धोखा देने का दर्द। करिश्मा मैडम क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों चल रही हैं? हमारे कमर का मैया का सासू मैया अकड़ गया है, बहुत तंग कर रहा है। आखिर माँ का श्राप लग ही गया। बक, ये हमारा श्राप नहीं है। फिर? अगर हमारा श्राप लगा होता ना तो अब तक ये भूल गई होती कि ये हमारी बहू है, हमारी लल्ला की शादी इनसे हुई है, तब हम मानते कि ये हमारा श्राप है। ऐसे अगर श्राप लगते ना तो आप किसी जंगल में लेडी टार्जन बने ऐसे जटाओं के साथ ऐसे भीख मांग रही होती। हाँ इंसानों के श्राप लगते हैं। क्या हुआ करिश्मा सिंह, कहाँ दर्द हो रहा है आपको, बताइए हमें। अरे मैडम सर हमारा बहुत बार क्या होता है कि गलत फिजिकल मूवमेंट की वजह से आराम से दर्द जो है बैठ जाता है, उसे लोकल भाषा में चनक कहते हैं, और जिस झटके से वो दर्द बैठता है ना ठीक उसी झटके से उसे रिलीज भी किया जा सकता है। ठीक है तो बताइए कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ? नहीं नहीं मैडम सर, नीचे वो बीच में सेंटर में। ओके इधर
हाँ इधर ही इधर ही। ठीक है समझ गए हम समझ गए। बस एक कोहनी मारेंगे और सारा दर्द गायब। मैडम सर हम मारे? सोच लीजिए फिर जब हम मारेंगे पुष्पा जी तो पक्का इससे ठीक होगा। ए टकलिया हल्के में लेने का नहीं, बहुत लोगों को कोहनी मार के दुनिया से उठाए लाए अपन। बाप रे बाप, मतलब हमने बहुत लोगों का दर्द ठीक किया है इस ट्रिक से। ठीक है भरोसा रखिए हम पे। आई 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 उठी 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 आई 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 ओके रेडी 1 2 3 माँ आप ठीक हैं? अरे क्या कमाल कर, एक सेकंड आप ठीक हैं? हाँ ठीक है। कमाल कर दिया मैडम सर, ये एकदम ठीक हो गया देखिए। अच्छा ठीक है, अब अगर बैक का दर्द ठीक हो गया हो तो बैक टू वर्क। जी जी। संदीप और महक के केस की सबसे पेचीदा चीज हमें ये लगती है कि अगर संदीप का किसी से अफेयर चल भी रहा है तो कहाँ कैसे किससे। संतोष शर्मा को फोन रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं मिला, उसके मूवमेंट्स में किसी भी तरह की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है ही नहीं, तो फिर हम ये प्रूव कैसे करें कि उसका अफेयर चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये केस तो सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है, इससे पहले कि कोई और दिक्कत आ जाए हमें कुछ करना होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।